हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एनी स्वीट डिश सर? नो नो नो, घर में बना है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब, मुझसे शेयर करिएगा। तो आज है वो दिन जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी काफ़ी दिनों से, और आप सारे लोग भी वेट कर रहे थे। यस, आज है 19 दिसंबर। आज मेरा बर्थडे है हैप्पी वाला, जो कि सबको पता ही चल चुका होगा। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और जो लोग मुझसे नए जुड़े मैं बता दूँ। और ठंडक की आप हाल मत पूछो, मतलब इतना घना कोहरा, घने बादल हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। धूप का तो नामो निशान नहीं है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है। और यहाँ पर मैं ड्रायर से बाल सुखा रही हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं बस इसी दिन, जैसे धूप नहीं निकलती है या मुझे मजबूरी में सुखाने पड़ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज वाला दर्द होने लगता है। अगर मैं नहीं सुखाऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा तबीयत सी खराब होने लगती है, सर भारी होने लगता है। तो देखिए, विद इन 5 मिनट्स मेरे पूरे बाल सूख चुके हैं, ड्रायर से अच्छे हो गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले मंदिर। तो तैयार होकर के मैं, बेटू और मम्मी निकल गए। ये तो मॉर्निंग में ही काम से निकल गए थे। एक्चुअली छुट्टी ले लेते हैं हर बर्थडे को मेरे लिए, बट इस बार नहीं हो पाया, इनको और भी काम था, तो इस वजह से हाफ डे लिया इन्होंने। तो इन्होंने कहा जितनी जल्दी जाऊंगा उतनी जल्दी वापस आऊंगा। तो मॉर्निंग में ही निकल गए थे 6:30-7 बजे करीब, इतनी ठंडक में। देखिए तो ये है नहीं, तो मैं, मम्मी और बेटू ही फिलहाल जा रहे हैं। सोसाइटी का ही मंदिर है अंदर, मैंने आपको दिखाया होगा काफी बार पहले भी। तो यहाँ पर दर्शन करेंगे। और मंदिर तो वैसे भी कोई ओकेजन हो या कुछ हो, कभी भी जाने का मतलब वो नहीं है कि हाँ तभी जाओ। मंदिर तो कभी भी जा सकते हैं, बट बर्थडे वाले दिन एक होता है ना, भगवान से आशीर्वाद लेना सुबह सुबह ठीक रहता है। तो मैं वही जा रही हूँ, और यहाँ पर थोड़ी देर पूजा करूंगी और उसके बाद घर वापस चली जाऊंगी। और उससे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी प्यारी प्यारी विशेज दी हैं। जिन लोगों को पता था इंस्टाग्राम और क्या बोलते हैं जो मेरा कम्युनिटी है, मैंने शेयर किया था, उस पर भी काफ़ी सारी विशेज आई। तो दिल से थैंक यू, इतनी सारी दुआ मिल गई, बस और क्या चाहिए। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आप लोगों की विशेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और ये देखिए, आप लोग माइंड मत करना, कोई भी धुला हुआ स्टॉल मुझे नहीं नज़र आ रहा था। तो एक ये शॉल रखी थी, मैंने इसको ओढ़ लिया है, और इस शॉल की स्टोरी मैं आपके साथ किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर पूजा करके घर वापस जा रही हूँ। ठंडक बहुत भयानक वाली है, इतनी तीखी ठंडी हवा चल रही है कि आप हाल मत पूछिए। और मेरे सर में जरा से भी हवा लगती है ना, तो बहुत तेज एकदम दर्द स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो वही सेम मैं घर वापस आ गई थी। उसके बाद मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो एडिट करना था, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। तो मेरा पूरा वीडियो तो नहीं एडिट हो पाया, थोड़ा सा ही एडिट हो पाया था। उसके बाद मुझे ये सरप्राइज देने के लिए मेरी जो ये मतलब फ्रेंड ही बोल लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ कभी कभार इनसे बात हो जाती है। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके मेरा नंबर और एड्रेस लिया था बेटू के बर्थडे में, तो मुझे अचानक से सरप्राइज देने आ गए। तो हम लोग वहीं इनसे बैठ करके बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट की थी, और एक बार ये मुझे वहाँ पर अलकनंदा मार्केट में भी मिली थी, क्योंकि वहीं साइड में रहती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दे देती हूँ। तो इस वजह से मैंने इनको दिया। और आप लोग प्लीज़ इसका गलत मतलब मत निकालिएगा, कुछ लोग बोलेंगे आपने मुझे नहीं दिया मुझे नहीं दिया, तो ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। तो ये घर के पास ही पहले रहती थी, जहाँ पर मैं पहले गोविंदपुरी में रहती थी, वहीं पर पास में पड़ता है अलकनंदा। तो ये लेकर के आई थी मेरे लिए बहुत प्यारा सा केक और एक गिफ्ट भी लाई थी। तो इनके साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है, ओवर एक्साइटमेंट में गिफ्ट अपना ऑटो में ही भूल करके आ गई, तो बहुत ज़्यादा सैड थी। पर मेरे लिए गिफ्ट वही है जो इन्होंने सरप्राइज दिया, फीलिंग्स मायने रखती हैं और ये ज़्यादा कीमती होते हैं। तो इन लोग स्पेशली केक लेकर के आई थी, तो केक कटिंग करवाया, मुझे काफ़ी अच्छा काफ़ी स्पेशल फील हुआ। आप ये सोच लो अपने बर्थडे वाले दिन की, हाँ कोई इस हद तक, मतलब कितना दूर है अलकनंदा, आप लोग खुद ही सोच लेना, गोविंदपुरी से भी आगे पड़ता है। और ये वहां से छोटे से बच्चे के साथ इतनी ठंडक में आई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो वही हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये है दीप्ति। हाय। और कुछ टाइम से मेरा एड्रेस था इनके पास, बेटू के बर्थडे पर भी इन्होंने बहुत क्यूट सा गिफ्ट भेजा था, जो मैंने बोला था बताऊंगी, पर आपको बताना मैं भूल गई, तो आई एम रियली सॉरी। और इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया आज अचानक से आकर के, और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने, अब दूसरा कटेगा अभी तो नहीं कटा, बट दो केक का रिकॉर्ड हो गया इनकी वजह से। तो थैंक यू सो मच इतना स्वीट सा सरप्राइज देने के लिए। और एक बात और बताना चाहूंगी, जैसा आप दिव्या को ब्लॉग्स में देखते हो उससे ज्यादा बहुत 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 प्रिटी है, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, लगता ही नहीं है कि इतनी बड़ी मतलब यूट्यूबर होके भी नॉर्मल जैसा होता है बिल्कुल वो बिहेवियर है, मतलब
और मैं तो कितनी खुशी में बताई नहीं सकती। बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब जिस हिसाब से यूट्यूबर है उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लगा। और सच में वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी रियल में अच्छी है। अब सब्सक्राइबर कहेंगे तुमने हमारी हमारी उनकी बुराई कैसे की। नहीं ये तो बड़प्पन है, वो कहते नहीं है कि अच्छाई देखने वालों की नजरों में होती है, अच्छा इंसान नहीं होता है। तो बस ये बहुत प्यारा लगा, थैंक यू सो मच अगेन इतना प्यारा सा सरप्राइज देने के लिए। ये है दीप्ति की भाभी और अनामिका नाम है इनका, ये भी आई हैं साथ में। दोनों लोग बहुत प्यारी सी बहुत स्वीट सी हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे ये लाइफ का एक अलग सा एक्सपीरियंस करवाने के लिए। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे बर्थडे वाले दिन इतना अच्छा सरप्राइज मिल जाएगा। बहुत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। तो एक बार सारे लोग अच्छे से लाइक बिना करे मत जाना, लाइक कर देना, लाइक कर देना, लाइक जरूर कर देना। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। और आप सबको आना है, मैं एड्रेस बताऊंगी, आप आ जाना। सारे लोग सरप्राइज देने के सरप्राइज अच्छे लगते हैं, किसी अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं। इनका चैनल क्या नाम बोल रही हूँ, नाम भूल गई, क्रिश लाइव विद, मुझे वही पुराना वाला याद है, इंडियन यूट्यूबर दीप्ति के नाम से था पहले, इंडियन यूट्यूबर दीप्ति के नाम से था लाइव विद। काफी मतलब 2 साल डेढ़ साल हो गया होगा हम लोग कांटेक्ट में है एक दूसरे से, कभी कभार बात भी हो जाती है हम लोगों की। और लास्ट टाइम बहुत इन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने एड्रेस भी दिया था बेटू के बर्थडे गिफ्ट सेंड करने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने काफी देर बातचीत की, उसके बाद ये वापस घर को निकल गए थे क्योंकि दूर है जाना था और ऑब्वियसली अंधेरा होने से पहले ही पहुंच जाए तो ठीक है। इस तरफ मम्मी देखिए किचन में लगी हुई है, मॉर्निंग से क्या क्या बना लिया है। इधर गुलगुले का आटा तैयार हो चुका है, खीर ऑलमोस्ट बन चुकी है और इधर बन रहे हैं फ्राइड राइस फिलहाल के खाने के लिए। इधर मैं आपको आज के मौसम का हाल दिखाती हूँ कि क्या हाल हो रखा है। एकदम वादियों वाली फीलिंग मुझे नोएडा में आ रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कोहरा कोहरा एकदम हसीन हसीन वादियाँ लग रहा है, लग ही नहीं रहा है नोएडा में हूँ। बहुत अच्छा प्यारा सा मौसम हो रहा है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है कि आप हाल ही मत पूछो, कितनी भयानक वाली ठंड है। अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। हैप्पी बर्थडे बिटिया, बिटिया थैंक यू बिटिया की मम्मी। और आज मैं इतने मजे में हूँ, एकदम महारानियों वाली फीलिंग आ रही है, फील ले रही हूँ मैं। कुछ काम नहीं, घर भी मम्मी ने समेटने नहीं दिया, घर भी मम्मी ने समेटा, सारा किचन का तो मैं भूल ही जाऊं। और ये भी आ रहे थे, बोल रहे थे इनका तो हर बार का हमेशा का ही है, मम्मी रहती तो मतलब टच वुड मैं ऐसी लकी हूँ, मैं इतना लकी हूँ कि मम्मी ऑलमोस्ट हर बर्थडे पर साथ रहती रहती हैं। और जिन बर्थडे पर नहीं रही उस पर भी इन्होंने मुझे कभी काम नहीं करने दिया, कह रहे आज के दिन कुछ काम नहीं करोगी। तो अपने बर्थडे वाले दिन मैं एक काम टच नहीं करती हूँ, छूती नहीं हूँ, करना ही नहीं चाहिए बर्थडे वाले दिन। बर्थडे वाले दिन और क्या, बर्थडे काम 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 की जगह है, बट कभी कभी एक वो अच्छी वाली फील आती है ना, वो आपकी फैमिली जब आपको देती है तो आप ब्लेस्ड फील करते हो सच में। आज मैं इतनी ज्यादा खुश, हर साल ऐसे खुश रहती हूँ, इस बार तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हर खाना घर पे नहीं है तब भी मम्मी ने इतना कुछ बना लिया। देखिए माँ ऐसी चीज होती है, मानती नहीं। मैंने कहा बहन दो ना खाना, खाना तो बाहर का ही है, दिन में कुछ बना लेंगे। कह रही नहीं सब बनाना है। अपने बर्थडे पर मुझे बच्चों वाली फीलिंग आती कि मैं भी छोटी सी बच्ची बन गई हूँ। और जब मम्मी साथ में तो कहने क्या, और लगता है बच्चा अंदर से बाहर निकल करके आ रहा है, फूट फूट के बच्चा बन गई, एकदम बच्चे वाली फीलिंग आती है। बना बनाए खाओ, मौज करो, असली बर्थडे तो यही होता है ना, और क्या। और फिर माँ के सामने भी, माँ घर में हो और खाना बना, खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, लगे रहो लगे रहो लगे रहो तो भी माँ होने का फायदा ही क्या है क्या। और डेली तो करती ही करती हो, लेकिन कम से कम एक दिन तो स्पेशल होना चाहिए ना, एक दिन तो स्पेशल होना चाहिए। आज तो बिल्कुल नहीं, काम करना नहीं बनता है आज, बिल्कुल नहीं बनता। और इतनी ठंडी में तो बिल्कुल नहीं बनता है, बाहर इतनी भयानक वाली ठंड हो रही। तो आप लोग अपना बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो? मेरे हिसाब से तो जिसमें दिल को खुशी मिले उसी तरीके से बस खुशियां हैं। पता है हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले थे और कुछ रीजंस की वजह से मुझे इनको पहाड़ों पे जाने का बहुत वो था, बट मैं पहाड़ों पे जा नहीं सकती थी। फिर समझ में नहीं आया कहाँ जाए, हम लोगों ने काफी दिन तक प्लानिंग की थी कि बर्थडे हम लोग अपना आउट ऑफ स्टेशन मनाएंगे, तो थोड़ा सा वो हो गया। बट जब इंसान मन से खुश होता है ना तो फिर कहीं भी उसे अच्छा लगता है, जब मन ही खुश नहीं रहता फिर कहीं भी चले जाओ खुशी नहीं मिलती है। तो आज मुझे घर में ही लग रहा है, एक तो हसीन वादियां, कोहरा कोहरा चारों तरफ, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। और फिर ये सुख कहाँ मिलता अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन चली जाती। माँ का सुख सबसे अनमोल सुख, ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। चाहे हारी हो, बीमारी हो, उठा जाए ना जाए, हाथ पैर चले ना चले, बट अपनी औलाद के लिए वो खड़ी हो जाएगी, सारे दर्द सारी तकलीफ भूल करके। कोई और औरत कर ही नहीं सकती है, कोई कर ही नहीं सकता है। आज मैं मस्ती काट रही हूँ, पूरा रिलैक्स कर रही हूँ और आप लोगों के साथ कुछ काम ऐसा शेयर करने को है नहीं तो मैं बातें कर लेती हूँ आज आप लोगों के साथ। ये जो आप देख रहे हो डोर, ये देखिए पूरा फॉग जमा हुआ है, कितनी बुरी तरह फॉग जमा हुआ है, ये देखिए
कितनी अच्छी है यहाँ, शिमला वाली फीलिंग तो यही आ रही है। वैसे एक बात है, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे मौसम में बर्थडे का जो है मजा ही कुछ और होता है। मुझे तो वैसे भी गर्मियों की कोई चीज पसंद नहीं आती है, सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है, मजा आती है। सो अभी जो मम्मी ने फ्राइड राइस बनाए थे हम लोग वही खा रहे हैं। ये भी आ गए थे, ये काफ़ी देर पहले ही आ गए थे, तो ये इनको कुछ काम था तो ये अंदर अपना काम कर रहे थे बैठ करके। ऑफिस से कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल करनी थी इनको, तो उसमें बिजी थे। उसके बाद हम सारे ही लोग यहाँ पर बैठ करके खा रहे हैं फ्राइड राइस, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। बस उसके थोड़ी देर बाद ये नीचे चले गए थे कुछ काम से, और मैं यहाँ पर बेटू को तैयार करने लगी थी। बोला था कि ये बोल रहे थे जब तक मैं वापस आऊँ पूरी तरीके से सब लोग तैयार होना, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, मम्मी भी हो गई और बेटू भी रेडी हो गई है। तो ये अचानक से आए थे और साथ में लेकर के आए थे मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा, टचिंग, बहुत ही अच्छा सा, खूबसूरत सा सरप्राइज, जो कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद ही देख करके समझ के होंगे। और मैंने इनसे साफ मना कर दिया था कोई भी घर में डेकोरेशन वगैरह नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। फिर भी ये बलून्स होते हैं वो लेकर के चले जाए कि मैं घर सजाऊंगा करके बड़ी मुश्किल से रोका है, पर हाँ फिर भी माने नहीं, दो चार बलून इन्होंने फुलाई डाले। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू टू यू, हैप्पी बर्थडे मम्मा, थैंक यू बिटिया। क्या हो गया, किसी का फोन आया शायद। अच्छा अच्छा लो बात कर ले। हेलो, हाँ मामा, थैंक यू मामा। मेरे इतने मना करने के बावजूद भी ये हो रहा है। तुम्हारे मना करने थोड़ा कुछ होएगा। ऐसा लग रहा पीट के किसी से, किसी ने बोला है तुम्हें फुला गुब्बारे, जबरदस्ती फुला रहे कि नहीं फुला रहा गुब्बारे, मुंह तुम्हारा ऐसे ही लगता है। देखिए मेरे पति का मुंह, गौर से देखिए इस इंसान का मुंह, ये खुश नहीं लग रहा। हाँ, देखने से ही पता चलता है कि इंसान कितना खुश है, इसके चेहरे पे हंसी आपको बहुत ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। काम करने दो। ये तुमने किया क्यों ये बताओ, हैं? हम तुम्हारे सामने, हमारे सामने तुम बड़े फुलावा फुलाव लगे हो, तो क्या हो गया? सरप्राइज दो तो बात अलग है। कल में भेज दो, कल करो, रात में वायरल से कुंडी लगा देते कपड़ा। तुम्हें क्या लगते हैं मम्मी, तुम्हें आइडिया दे तो रही है, तो यहाँ पर बहुत ये दिल से बहुत तमन्ना से मेरे लिए अंदर सरप्राइज प्लान कर रहे थे। मैंने चिढ़ा रही थी तो इन्होंने मुझे बाहर भेज दिया ताकि तुम बाहर बैठो जाके, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से प्यार से लगे पड़े हैं सरप्राइज तैयार करने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा हम लोग तो है, हस्बैंड लोग क्या है, काम से जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, बट इनका क्या, ये हम लोगों को कहाँ भेज दें, हम तो कहीं घर पे रहते हैं। तो वही कह रहे थे मैं कैसे सरप्राइज प्लान करूँ तुम्हारे लिए, तुम तो कहीं जाती ही नहीं हो, तो इस वजह से ये मेरे सामने। पर फिर भी अच्छा लगता है, देखो हस्बैंड लोग मन से दिल से जो भी करते हैं, छोटा सा भी कुछ कर देते हैं, तो बस वो दुनिया के हर चीज से ऊपर हो जाता है। उसकी खुशी का कोई तोड़ ही नहीं होता है, ऐसी खुशी कहीं मिल ही नहीं सकती है, चाहे कोई कुछ कितना भी कर दे। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। काफी अच्छा लगा, इतने प्यार से इन्होंने मेरे लिए ये सब किया, मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। और आपको कैसा लगा इनकी डेकोरेशन, इनके एफर्ट के लिए एक लाइक दे देना इस ब्लॉग को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो। आ जाओ, तैयारी पूरी हो गई है। मम्मी लेकर के रेडी है पूरा टीके की थाली, जो कि होता है बचपन से, तो वही टीका कर रही है मेरा गुलगुले के साथ, दिया है, टीका है, ये सारी चीजें हैं। टू का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, उसको ये लग रहा है कि मेरा बर्थडे नहीं है, मम्मा का बर्थडे है। तो जबकि पूरा टाइम मैं उसे बोल रही हूँ कि नन्नू का ही बर्थडे है, नन्नू का टीका पहले करवा दो, कब तो करवा नहीं रही है।
तो ये सारी चीजें नखरे ले रही है बहुत ज्यादा। तो मैं यहाँ पर मैंने कहा चलो मम्मी ने कहा चलो पहले तुम्हारा कर देते बाद में उनका करते। तो उसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया कि मेरा बर्थडे नहीं, मम्मा का क्यों बर्थडे हो रहा है, मेरा बर्थडे क्यों नहीं हो रहा है, मम्मा को सब प्यार क्यों कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अपसेट थी वो मुझे देख देख करके। तो यहाँ पर मम्मी टीका कर देंगे, उसके बाद जो केक है वो मैं कट कर लूंगी और उसके बाद जाऊंगी बाहर खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। तो बाहर का नजर आप देख ही सकते हैं, कोहरा कितना है और ठंडक तो आप पूछे ही मत, बेहिसाब ठंडक थी। और बेटू की भी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी दो दिन से, तो ये बहुत जिद कर रहे थे वहां जहां पर लास्ट टाइम हम गए थे वहां जाने की। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनको मना कर पाया है बेटू का, कि फिर कहते अच्छा हाँ बेटू की तबीयत ठीक नहीं। तो इस वजह से हम लोग पीछे ही एक रेस्टोरेंट है काफी अच्छा सा है, हम लोग बस वहीं सारे लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए। और ठंडक इतनी हो रही है कि बस घर दिख रहा है, बाहर कहीं भी जाने की घूमने की कुछ भी इच्छा नहीं कर रही है। बाद बाकी हम लोगों का प्लान कुछ और था, तो कभी अब देखते हैं, घूमना तो लगा ही रहता है। कभी लोगों के घूमने की तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जब भी मन होता है जहां मन होता है वहां पर हम लोग घूमने चले जाते हैं। बट आज ठंडक की वजह से बस डिनर करके घर वापस जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ दे दो, आपके हाय गाइस ने कोई मुझे गिफ्ट नहीं दिया है। अच्छा, ना ही मेरी मम्मी ने मुझे कोई गिफ्ट दिया है और ना ही मेरी नन्नू ने मुझे कोई गिफ्ट दिया है। मैं बिना गिफ्ट की हो गई हूँ। मीठा हुआ खा के नहीं आए थे, खीर खाएंगे अब। खीर उसने पूछा, एनी स्वीट डिश सर? नो नो नो, घर में बना है। मैं मजाक कर रही थी गिफ्ट को लेकर के। आपके हाय गाइस ने मुझे दो गिफ्ट दिए, एक रात के 12 बजे दिया है और एक कब दिया, एक शाम के टाइम दिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, और ये मम्मी ने अभी जो टीका किया वो लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी थकान हो गई है। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। थोड़ा सा भी अच्छा लगे इसे एक लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाबू अले अले मिला बाबू, लॉलीपॉप खाएगा, लॉलीपॉप खाएगा, ले अंगूठा। ये मम्मी किसी तरह लग रहा है, भाभी जी घर पर है कि उनकी उसकी तरह लग रहा है। हंसना जरा। बाय बाय, गुड नाइट, लाइक कर देना।